हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, जिंदगी का ऐसा फलसफा जिसको जिसने भी समझ लिया उसने सही मायने में जिंदगी को जी लिया। आप हेल्दी रहें, फिट रहें, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है आपकी सेहत की गुत्थी सुलझाने के लिए विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य प्रताप चौहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। संजीवनी में हर रोज हम आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों का करते हैं आयुर्वेदिक समाधान। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं एक गंभीर समस्या की, जिसे हल्के में लेना जिंदगी के लिए घातक हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीने में उठने वाले दर्द की। सीने में उठने वाला दर्द कहीं किसी गंभीर समस्या की तरफ इशारा तो नहीं करता? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चौहान, जो आज आपको बताएंगे जब सीने में दर्द हो तो क्या करें। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानिए आयुर्वेदिक कटिबस्ती इलाज के बेमिसाल फायदे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सीने में होने वाला दर्द हार्ट से रिलेटेड ही होता है? सीने के दर्द को कब हमें गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, सीने का दर्द डेफिनेटली होता है तो लोग बाग डर जाते हैं सभी, और सबको लगता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में वो हार्ट अटैक कई संकेत आपको दे रहा है। बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सीने में दर्द हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कभी आपके चेस्ट में पेन हो तो उसको हल्के में लें। हमेशा जो है उसका आपको एक रोग निदान जरूर करना चाहिए, यानी कि उसका डायग्नोसिस जरूर निकालना चाहिए, कॉज को जरूर ढूंढना चाहिए और कॉज के अनुसार ही इलाज करना चाहिए। ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं कई बारी कि हार्ट की प्रॉब्लम है लेकिन वो सोचते हैं चल शायद गैस का दर्द होगा, वो नहीं जाते डॉक्टर के पास और फिर वो घातक सिद्ध हो जाता कई बार। या इसके विपरीत में ऐसा भी होता है कि उनको प्रॉब्लम गैस की है और वो हार्ट की दवाइयां खा रहे हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, कई बार आते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप उस रोग की रूट कॉज तक पहुंचें कि क्या वजह है, क्यों मुझे चेस्ट में पेन है, क्यों मुझे सीने में दर्द है, लेकिन उसको नजरअंदाज ना करें। कुछ लक्षण हम जिक्र करेंगे कि कौन से लक्षण होते हैं हार्ट के, अगर बीमारी हो आपको, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको थोड़ा सा उससे आइडिया मिले। लेकिन जहां तक हम कहें कि चेस्ट में पेन है या सीने में दर्द है, तो वो तो एक ही लक्षण है कि सीने जो हमारी चेस्ट है पूरी, उसमें कहीं भी अगर वेदना होती है, पेन होता है, तो वो एक ऐसी एक चीज है कि जो थोड़ा सा हमें डरा भी देती है, लेकिन उसको डरने की जरूरत नहीं है। असली जरूरत जो है वो इस चीज की है कि हम उसका कारण पता करेंगे, क्यों हो रही है। तो फिर आकर सीने में दर्द उठने की कौन कौन सी वजह है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मयंक है नोएडा से। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मयंक डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे मुंह में छाले बहुत ज्यादा हो गए हैं, इधर 5-7 दिन से बहुत ही ज्यादा मैं परेशान हूँ। अच्छा, पहले भी कभी होते हैं या पहली बार? नहीं, ये रेगुलर होते हैं, मतलब कभी मैं शहर से बाहर जाता हूँ, जैसे पानी चेंज हुआ या पानी की थोड़ी सी भी कहीं दिक्कत होती है या थोड़ा सा भी कोई मैं दूसरे परिस्थिति में जाता हूँ या दूसरे सिचुएशन में जाता हूँ, तुरंत मेरे वो लीवर इन्फेक्शन होके वो पूरा मुंह में छाले निकल आते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया, लीवर इन्फेक्शन, यानी कि हम भी आयुर्वेद में इसको यकृत जो है पित्त संचय कहते हैं, कि यकृत यानी कि लीवर में जब पित्त की वृद्धि हो जाती है, और आपने कहा कि जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाने पर कई बार खाना भी चेंज होता है, चाय कॉफी आप मत पीजिए बिल्कुल भी, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय इसमें बहुत खतरनाक होती है। चाय और कॉफी दोनों हीट पैदा करती हैं, मिर्च मसाले अचार खटाई जो पित्त वाली चीजें हम जिनको बार बार समझाते हैं आपको, जो बहुत ज्यादा हीट पैदा करती है, नॉनवेज भी उसमें आता है, या किसी प्रकार का आप तम्बाकू गुटखा इत्यादि सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल वगैरह का सेवन करते हैं, ये सब तमाम चीजें जो है हमारे लिवर के ऊपर बड़ी भारी पड़ती हैं। आपको मालूम भी होगा कि जो भी चीज गर्म तासीर की होती है, इवन डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि कभी आप एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं, वो भी लिवर के ऊपर बहुत हमारा जो है एक तरह से दुष्प्रभाव डालती है। और अक्सर डॉक्टर आपको कुछ एसिडिटी की दवाई दिया करते हैं जब भी आप कोई ऐसी स्ट्रांग मेडिसिन लेते हैं, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए, गर्म चीजों को यदि आप कम करेंगे और कूलिंग चीजें ज्यादा होंगे, कूलिंग चीजें कभी अगर आपको नहीं भी मिलती हैं तो सबसे बढ़िया पानी है, पानी आप 3 लीटर रोज पीजिए, नारियल पानी अगर आप मिल जाए वो पी लीजिए, आप जो है साथ में अभी अगर छाले निकले हुए हैं आपको तो चमेली के पत्ते अगर मिल जाए आपको, एक बेल होती है उसपे सफेद फूल आते हैं, उसको आप थोड़ा सा चबा करके उसका पेस्ट बना करके जहां जहां छाले वहां लगा लीजिए, या कत्था भी लगा लेते हैं, पान वाले के पास थोड़ा कत्था मिलता है वो भी आप लगा सकते हैं, उससे भी रिलीफ मिलता है। और असली चीज है कि पेट साफ रहना चाहिए आपका,
जैसा कि आपने ट्रेवलिंग का जिक्र किया, कई बार लोगों को ट्रेवलिंग के समय कब्ज हो जाती है और कब्ज होने से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। तो अगर कब्ज आपको रहती है तो नियमित रूप से आप त्रिफला का सेवन करिए। एक चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय आप लें, पेट साफ रहेगा, गर्मी निकलेगी, पानी पियेंगे उससे भी गर्मी बॉडी की निकल जाएगी, छाले आपको बार बार परेशान नहीं करेंगे। तो फिर डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया कि सीने में जब भी दर्द उठता है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन आखिर इसकी कौन कौन सी वजह है ये जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या गैस्ट्रिक भी इनमें से एक वजह हो सकती है? बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर आपको गैस बनती है बहुत ज्यादा, वो गैस कई बार ऊपर चढ़ जाती है तो आपके चेस्ट में वो पेन भी करती है, हार्ट में भी वो प्रेशर डाल देती है कई बार। और कई बार तो पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि वो ECG कराते हैं तो उसमें भी थोड़े चेंजेस उनको मिल जाते हैं क्योंकि हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। एसिडिटी दूसरा कारण है। अगर जलन होती है आपको, खट्टी डकारें आती हैं, उससे भी आपको जो है चेस्ट में जकड़ाहट होती है, पेन होता है। या जो हमारी भोजन की नली है उसमें कहीं थोड़ा बहुत अगर सूजन आ जाए उसकी वजह से भी दर्द होता है। आपके फेफड़ों में अगर बलगम फंसा हुआ है, चेस्ट में कंजेशन है, जिन लोगों को दमा रहता है, अस्थमा रहता है, उनको चेस्ट पेन होता है। सूखी खांसी अगर आपको होती है उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। निमोनिया अगर हो उसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन हो सकता है। और साथ में बहुत एक और कॉमन कारण है कि यदि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी जिन लोगों को होती है, बहुत ज्यादा घबराहट रहती है, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव जिनको रहता है, पैनिक अटैक्स यानी कि हमेशा डर लगा रहता है किसी चीज से, उन लोगों को भी छाती में जकड़न जरूर होती है और हार्ट की वजह से तो होती है। जिन लोगों को हार्ट में जो है ब्लॉकेज हो या हार्ट में कोई बीमारी हो उसकी वजह से तो हमें चेस्ट पेन होता ही है। कई बार ये भी देखा गया कि जो हमारी मांसपेशियां हैं ऊपर की जो मसल्स हैं, अगर उनमें किसी प्रकार की अकड़ाहट आ जाए, स्टिफनेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, या आप मालिश वगैरह नहीं करते रेगुलरली, तो उसके कारण भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपको सीने में दर्द होता है तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए कि मस्कुलर पेन है या फेफड़े की वजह से है या गैस की वजह से है या भोजन की नली में कोई आपको प्रॉब्लम है या एसिडिटी है या हार्ट है। ये तमाम चीजें जब आप देख करके उसका कॉज ढूंढेंगे, उसके पश्चात उसकी चिकित्सा आप ठीक प्रकार से कर पाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नैनीताल से, इनका नाम है राजीव जी। आप अपना सवाल कर सकते हैं। राजीव नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, 2 सालों से हमको सर्दी की शिकायत है, नाक से पानी छींके वगैरह आती है। जी जी। एलोपैथिक दवाइयों का बहुत इलाज करा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो आयुर्वेद में कोई है इसका इलाज? सर देखो, आयुर्वेद में जरूर है इलाज, क्यों नहीं होगा इलाज? आप अगर आयुर्वेद में जैसे हम समझाते हैं आपको, अगर अपने रोग का कारण समझेंगे कि वात पित्त कफ कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, जैसे आपने कहा छींके आती हैं, पानी बहता है नाक से, तो संकेत इससे मिलता है कि कफ बढ़ा हुआ है। अब कफ किस चीज से बढ़ता है? ठंडी चीजें खाने से बढ़ता है, कोल्ड ड्रिंक से बढ़ता है, आइसक्रीम से बढ़ता है, फ्रिज की कोई भी आप ठंडी चीज लें उससे आपको कफ बढ़ेगा, तली चीजों से कफ बढ़ता है, मिठाइयों से कफ बढ़ता है, दूध से बनी वाली चीजों से, विशेष तौर पर अगर आप दही का सेवन करते हैं उससे भी कफ बढ़ता है। तो ये चीजें आपको रोक देनी चाहिए। पहला काम हमेशा हम यही बताते हैं आपको कि कारण को रोकिए पहले, और दूसरा है कि जो कारण अंदर मौजूद है उसको वहां पर उसको खत्म करिए, उसको बैलेंस करिए, उसको शरीर से बाहर निकालिए, को जो भी तरीका अपनाए, शमन चिकित्सा करिए, शोधन चिकित्सा करिए। तो अगर शमन करना है तो सौंठ, काली मिर्च, पिपली, 3 चीज है बहुत बढ़िया, तीनों मिलती है घर में आपके, त्रिकटु इसको बोलते हैं आयुर्वेद में, इस चूर्ण को बना करके रखें बराबर बराबर मात्रा में, और इसमें से 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को शहद में मिला करके आप चाटिए। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए कि जब आप रात को सोते हैं तो आपके कान और सिर अच्छी तरह से ढके हुए होने चाहिए। कभी कभार सिर में और कान में ठंड लगने से भी ये प्रॉब्लम आती है, तलवों में ठंड लगने से भी आती है। तो तलवों को, कान और सिर को हमेशा, अगर गर्मी का मौसम भी है और बहुत ज्यादा आप गर्मी में हैं, तो थोड़ा कोशिश करिए कोई कॉटन का पतला सा कपड़ा सिर पर लपेट लें। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने ये हिदायत दी है तो उनको इसमें तुरंत रिलीफ मिलता है, क्योंकि कभी कभार सिर के माध्यम से हमको ठंड चढ़ रही होती है, कभी पैर के माध्यम से हमको ठंड चढ़ रही होती है। खासतौर से छोटे बच्चों में हमने विशेष रूप से देखा है कि उनमें ये ठंड का एक द्वार है, पैर और सिर। तो डॉक्टर साहब, अगर सीने में दर्द जो है वो अगर हार्ट से संबंध रखता है तो क्या इसकी वजह हो सकती है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? कभी कभी क्या होता है सीने में चुभन हो रही होती है, एक साथ दर्द होता रहता है, तो लक्षण कैसे पता चलेंगे कि हार्ट से? देखिए, अगर हार्ट की वजह से दर्द है तो फिर आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि एक तो आपको दर्द बिल्कुल चेस्ट के मध्यम हिस्से से शुरू होता है और बहुत शार्प पेन होता है, कई बार लगता है कि अंदर से कोई चाकू से मार रहा है जैसे, और वो पेन फिर धीरे धीरे आपका बढ़ता है, ऊपर लेफ्ट की तरफ आएगा,
कंधे में आएगा, बाईं तरफ बाजू में आएगा, जबड़ा आपका जो है यहाँ तक, जबड़े तक वो दर्द चला जाता है। फिर आपको थोड़ा सा सांस लेने में कष्ट होता है, कमजोरी बहुत फील होने लगती है, कभी कभार बिल्कुल डिजीनेस, चक्कर जैसे आ रहा है, इस तरह का होता है। और साथ में जो है हार्ट की जो आपकी गति है, हृदय की गति, पल्पिटेशन जिसको कहते हैं, वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण अगर आपको हो रहे हैं तो फिर वो संकेत है कि शायद हार्ट का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर, हरि गोपाल हैं वृंदावन से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आजकल ना डेंगू का बड़ा प्रकोप चल रहा है। जी जी जी। मैं जानना चाहता हूँ आयुर्वेद में ऐसी कोई दवा है जिसको देने से पहले से ही प्रिवेंशन हो सके। देखिए जो बड़ा अच्छा प्रश्न है और हमने इस पर जिक्र भी किया है, कई बार पहले एपिसोड्स भी किए हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि तुलसी हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज है। तुलसी में बहुत सारे गुण हैं, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, और ये कई प्रकार के इन्फेक्शंस को रोकथाम भी करती है। तो तुलसी का सेवन करना चाहिए रेगुलरली, बल्कि तुलसी का थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट निकाल के, उसका रस निकाल के, या तुलसी का थोड़ा तेल में पका करके आप अगर त्वचा पर भी लगाएं तो वो मॉस्किटो रिपेलेंट का काम भी करती है, मच्छरों को दूर रखती है। तुलसी को थोड़ा सा उसमें जो उसकी जो गंध होती है, उसका जो स्मेल होता है, वो मच्छरों को भी आपके शरीर से दूर रखता है, तो उसको आप सेवन करें। दूसरा एक चीज हमने पहले भी अपने शो में कई बार बताई है कि कभी कभार इन्फेक्शन आते हैं बॉडी में, कोई आपको जो है कोई चीज घुस जाती है, लेकिन अगर आपकी जो है रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, वो अगर मजबूत हो तो रोगों के लक्षण नहीं आ पाते, रोग पैदा नहीं हो पाता है। कई बारी जो है हम कई ऐसे तत्वों को अंदर ले लेते हैं शरीर में, नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, लेकिन सभी को रोग नहीं होते हैं। तो अपने रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी पावर को हमें मजबूत रखने के लिए आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवला अगर सीजन में नहीं है तो मुरब्बा खा सकते हैं, मुरब्बा भी नहीं है तो च्यवनप्राश आप खा सकते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ओज शक्ति है, जो इम्यूनिटी पावर है, उसको अगर हम स्ट्रांग रखेंगे, और प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल मच्छरों में जाके सो जाएंगे, मच्छरों के पास ही, वो तो फिर वो काटेंगे तो ब्लड में जाएगी चीज। तो प्रिकॉशंस भी आपको लेनी चाहिए, बहुत सारी प्रिकॉशंस हमारी सरकार भी कुछ ना समय समय पर टेलीविजन पर वो बताते रहते हैं कि साफ पानी को नहीं जमने देना चाहिए, कुछ दवाई छिड़कनी चाहिए, इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि वो मच्छर वहाँ पनपने ना पाए, वहाँ रहने ना पाए। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे सीने में दर्द से बचने का आयुर्वेदिक इलाज। जी डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए सीने में दर्द, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्यों है सीने में दर्द, लेकिन कुछ जनरल चीजें बताते हैं आपको जिससे आपको किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसमें लाभ मिलेगा। हार्ट का भी होगा तो भी उसमें कुछ आपको आराम मिलेगा। हार्ट का है तो आप अर्जुन की छाल वैसे भी पी सकते हैं रेगुलरली, अर्जुन की छाल हृदय के दर्द में या हृदय की वजह से जो दर्द होता है उसमें आराम दिलाती है। लेकिन अगर आपको हृदय की वजह से नहीं है दर्द तो भी अर्जुन की छाल आप पियेंगे तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक चम्मच एक गिलास पानी में डालें, अच्छी तरह से बॉयल करके आधा गिलास उसको रखें। दूसरा बड़ा सिंपल सा एक तरीका है उसका कि अगर आप चेस्ट में थोड़ा मालिश करें, तिल के तेल की मालिश, तो उसमें अगर अकड़ाहट है या कोई गैस वगैरह है, गैस्ट्रिक है, तो वायु जो है वो तेल से शमन होता है उसका, तो वो वायु भी नष्ट होगी वहां से। बादी वाली चीजें ना खाएं। एक चूर्ण आप जो है कोई ना कोई गैस्ट्रिक का जरूर ले लें, पाचक चूर्ण बहुत सारे मिलते हैं, आयुर्वेदिक चूर्ण बहुत प्रकार के, घर में बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप। सौंठ, जीरा, धनिया, पुदीना और सौंफ सबको बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बनाएं। ज्यादा आपको गैस होती है तो थोड़ा सा हींग भी भुना हुआ इसमें मिलाएं, एक बढ़िया चूर्ण आपका बन जाएगा। उसको आप खाना खाने के पश्चात एक एक चम्मच गुनगुने पानी से आप सेवन करें तो उससे आपको ये गैस वाला या एसिडिटी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कब्ज रहती है तो वो नहीं होगा आपको दर्द। तो इस प्रकार से आप थोड़ी सी छोटी छोटी चीजों को अगर आप पालन करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और एक्सरसाइज थोड़ी करनी चाहिए रेगुलरली, बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, उससे भी आपको सीने में दर्द यदि अगर कहीं अकड़ाहट की वजह से है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कटिबस्ती के कमाल के फायदे। तो डॉक्टर साहब क्या है आज के संजीवनी टिप्स? देखिए सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि कटिबस्ती होती क्या है। कटिबस्ती एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए
जिनको कि कमर दर्द रहता है। कटी यानी कि कमर, कमर के ऊपर एक आटे का गोल धारण, गोल एक रिंग टाइप का बनाते हैं, इतना 2-3 इंच की उसकी ऊंचाई होती है, और उसमें थोड़ा गुनगुना तेल गर...